तुम पर मरा हुआ जानवर और बहता लहू और सूअर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए और जो जानवर गला घुटकर मर जाए और जो चोट लगकर मर जाए और जो गिरकर मर जाए और जो सींग लगकर मर जाए, ये सब हराम है। और वो जानवर भी जिसको दरिंदे फाड़ खाएं, मगर जिसको तुम मरने से पहले जबह कर लो। और वो जानवर भी जो गैरुल्लाह के आस्ताने पर जबह किया जाए, और ये भी कि पासों से किस्मत मालूम करो, ये सब गुनाह के काम है। आज काफिर तुम्हारे दीन से नाउम्मीद हो गए हैं तो उनसे मत डरो और मुझी से डरते रहो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया है और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। हां, जो शख्स भूख में नाचार हो जाए बशर्ते के गुनाह की तरफ मायल न हो, तो अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। ऐ नबी, तुमसे पूछते हैं कि कौन कौन सी चीजें उनके लिए हलाल हैं। उनसे कह दो कि सब पाकीजा चीजें तुमको हलाल हैं और वो शिकार भी हलाल है जो तुम्हारे लिए उन शिकारी जानवरों ने पकड़ा हो जिनको तुमने सधा रखा हो, और जिस तरीक से अल्लाह ने तुम्हें शिकार करना सिखाया है उस तरीक से तुमने उनको सिखाया हो, तो जो शिकार वो तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसको खा लिया करो और शिकारी जानवरों के छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम ले लिया करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। आज तुम्हारे लिए सब पाकीजा चीजें हलाल कर दी गईं और अहले किताब का खाना भी तुमको हलाल है और तुम्हारा खाना उनको हलाल है, और पाक दामन मोमिन औरतें और पाक दामन अहले किताब औरतें भी हलाल हैं, जबकि उनका मेहर उन्हें दे दो। और निकाह से इफ्फत कायम रखनी मकसूद हो, न कि खुली बदकारी करनी और न छुपी दोस्ती करनी। और जो शख्स ईमान का मुनकिर हुआ उसके अमल जाया हो गए और वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा।